हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टेक राइडर प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे R15 वर्जन 3 के बारे में, क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं वर्जन 2 से इस बाइक में। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं लुक से, जो कि पहली चीज होती है आप किसी भी बाइक में देखते हैं। तो यामा ने जो टाइम लगाया है 7 साल का वर्जन 2 से वर्जन 3 लॉन्च करने में, उसको पूरी तरह से जस्टिफाई किया है और इस बाइक को दिया है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही स्पोर्टियर लुक, जो इसको बनाता है अंडर 200 सीसी सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में बेस्ट लुकिंग बाइक। सबसे ज़्यादा आई कैची चेंज जो इस बाइक में है वो है इसकी हेडलाइट्स। यामा ने काफ़ी साल बाद हेडलाइट्स चेंज किए हैं। वर्जन 1 वर्जन 2 की हेडलाइट्स बहुत डिम थी और इस बार यामा ने ना सिर्फ इसका लुक चेंज किया है बल्कि एलईडी लैंप्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि नाइट राइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैंने एक हेडलाइट कंपैरिजन का वीडियो भी बनाया है जिसमें R15 वर्जन 2 की स्टॉक मॉडिफाइड एलईडी लाइट्स और वर्जन 3 की हेडलाइट्स कंपेयर किए हैं। ऊपर लिंक आ रहा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट चेंज की अगर बात करते हैं तो यामा ने इंट्रोड्यूस किया है फुल LCD कॉन्सोल, जिसमें इंस्टेंटेनियस माइलेज, VVA इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, एवरेज स्पीड जैसे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये सारे फीचर्स पहले वर्जन्स में मिसिंग थे और साथ ही ये कस्टमाइजेबल फीचर इंट्रोड्यूस किया है। जब आप बाइक ऑन करते हैं तो हाई बडी लिखा आता है, उस हाई बडी को आप चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हैं और राइड पर निकलते हैं। टैंक की अगर बात करें तो लुक चेंज किया है, मस्कुलर ग्रिल्स दी है जिससे कि शो काफ़ी बढ़ जाता है टैंक का। उसके साथ ही टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी कम की है, वर्जन 2 की 12 लीटर की टैंक थी, इसकी 11 लीटर की टैंक है और ज़्यादा पावरफुल बाइक है इसलिए माइलेज थोड़ा सा कम है, 33-35 के अराउंड एवरेज माइलेज है इस बाइक का। तो लॉन्ग टूर्स पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर फिर भी 350-360 किलोमीटर आराम से चलेगी बाइक एक बार फ्यूल करने में। मूव करते हैं अगर रियर सीट की तरफ, तो काफ़ी लोगों को कंप्लेंट थी वर्जन 2 की सीट से कि कंफर्टेबल नहीं है पिलियन राइडर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लोप था। वर्जन 3 में थोड़ा सा उसको बेटर किया है, कुशन भी ज़्यादा ऐड किया है, थोड़ा सा उसका इंक्लिनेशन कम किया है सीट का, तो ये थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी अब से टूर्स वगैरह पे पिलियन राइडर्स के लिए भी। टेल लाइट और बैक लुक की बात करें तो टेल लाइट भी चेंज की है, काफ़ी इंस्पायर्ड लगती है अब ये R3 से। उसके अलावा रियर ग्रिल जो चेंज की है उसकी वजह से काफ़ी स्पोर्टियर लुक मिलता है बाइक को बैक साइड से। नीचे आते हैं, अगर हम टायर हगर को देखते हैं तो टायर हगर भी चेंज किया हुआ है। काफ़ी लोगों ने वर्जन 2 के टायर हगर को कटवाया था इस लुक के लिए, एंड इट्स गुड टू सी कि यामा ने इस बार स्टॉक बाइक में वैसा टायर हगर दिया है। नेक्स्ट अगर टायर साइज की बात करें तो टायर डायमेंशंस भी चेंज हुए हैं वर्जन 3 में। 130/70 और 90/80 टायर साइज था फ्रंट और रियर का वर्जन 2 में, जबकि वर्जन 3 में थोड़ा वाइडर किया है टायर, 140/70 और 180 साइज है। ये टायर ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करेगा आपको टूरिंग के लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा ग्रिप रहेगी रोड पर। ग्राफिक्स की अगर बात करें तो वो भी चेंज किए हैं वर्जन 2 से, काफ़ी शार्प ग्राफिक्स हैं वर्जन 3 के और इसको देते हैं एक रेस बाइक का लुक। एक काफ़ी अवेटेड चेंज जो यामा ने इंट्रोड्यूस किया है वो है स्लिपर क्लच। जब आप हाई स्पीड्स में होंगे, चाहे ट्रैक पर, चाहे हाईवेज पे, चाहे कॉर्नरिंग करते टाइम हिल्स पे, तो डाउन शिफ्टिंग में काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा स्लिपर क्लच। इंजन की अगर बात करें तो सीसी में माइनर डिफरेंस है, 149 सीसी का इंजन था वर्जन 2 का और वर्जन 3 का इंजन है 155 सीसी का। VVA टेक्नोलॉजी यामा ने इंट्रोड्यूस की है, जो कि आपको लोअर टू मिड रेंज में भी काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन और टॉर्क प्रोवाइड करती है। एंड लास्टली अगर पावर की बात करें तो 19.3 BHP पावर जनरेट करता है ये इंजन, 16.8 BHP R15 वर्जन 2 का इंजन करता था और ये बनाता है इस बाइक को इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक। लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7000 का डिफरेंस है वर्जन 2 से। R15 वर्जन 3 की एक्स शोरूम प्राइस 1.25 लाख है। यामा ने एक ही चीज़ की कमी की है इस बाइक में, जो कि है ABS। काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी पर ABS एज एन ऑप्शन भी यामा ने नहीं प्रोवाइड किया है और शायद यही रीज़न है कि प्राइस पॉइंट इतना अच्छा मेंटेन कर पाया है यामा। और इतने फीचर्स लोड करके ये बनाता है इस बाइक को इस सेगमेंट की और इस प्राइस रेंज की मोस्ट फेवरेट बाइक। अगर आपकी भी ये फेवरेट बाइक है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए नीचे। तो इसी के साथ खत्म होता है R15 वर्जन 3 का वॉक अराउंड और फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो। मैंने ट्राई किया है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करने का, पर अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स छूट गए हो या आपको कोई भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज नीचे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगा हर एक कॉमेंट का और आपके डाउट्स क्लैरिफाई करूंगा। और प्लीज लास्ट में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की जरूरत है।
बाय बाय स्टे ट्यून्ड।